Hi guys, good morning. Now it's time for the mathematics, compound interest. Yesterday I had given you the task of exercise 2.2 of APC publication. Only 10 sums I had given to you. So today I will give you from 11 to onwards. And after the compound interest, we'll go for the Selinar book. And I'll give you from there the next chapter. And when the lockdown will open, so we shall just study from the Selinar book, that is from your book. So let us learn the 2.2, the doubts which one you have asked me, you didn't ask me so far. So please update that and ask me exercise 2.2 some doubts. I'm going to provide you certain sums today, followed by from 11 to 20 sums is a homework for you today. 11 to 20, 1 to 10 had I given? Yes, 11 to 20 is the work for you today. Let's see. So you can see the 16 number, I'm going to make you understand first. A sum compounded annually becomes 25 by 16 times of itself in 2 years. Determine the rate of interest per annum. तो हमें दिया गया है बच्चों यहाँ पे sum compounded annually जो कि हमें नहीं मालूम तो हम principal को assume कर सकते हैं x becomes 25 by 16 times. That is amount has given 25 by 16 x. If the principal is x then 25 by 16 x will be your amount. Time period is given 2 years and determine the rate of interest we are going to find out R in this place. So here is its answer. Sum of money be X, amount 25 by 16 X, N is equal to 2 years. And we know that amount is equal to P of 1 plus R by 100 to the power N. That is 25 by 16 X is equal to X of 1 plus R by 100 to the power 2. So 5 by 4, 25 by 16 means whose square, you have to compare कि जैसे right side में square है, left side में भी किसी का square ही आना चाहिए, power जो है 2, वो ही आना चाहिए, आएगा तो ही होगा, जैसे 5 by 4 रहा, क्योंकि power cancel हो गया, 5 by 4 equal 1 plus R by 100, 1 left side को लेकर आए गए, 5 by 4 minus 1 equal R by 100, take the LCM 5 minus 4 by 4, is equal to 1 by 4 into 100 जो divide था right side में left side आने से multiply होगा 425 से 100 25% is the rate of interest in this place. देखिए यहाँ पे 17 number next comes. At what rate percentage will 2000 rupees amount to 2315.25 rupees in 3 years? मतलब at what rate percent मतलब मैं कुछ कौन सा rate percent पूछा गया है यहाँ पे. हम पूछा गया कि कौन सा रेट परसेंटेज यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं. सो दिस इज आवर रेट परसेंटेज निकालना है. 2000 रुपीस अमाउंट टू 2315.25 रुपीस इन 3 years. सो दिस इज योर अमाउंट, दिस इज योर प्रिंसिपल, टाइम पीरियड इक्वल 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट. सो लेट अस फाइंड आउट, लेट मी शो यू हाउ यू हैव टू गोइंग टू यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इन दिस प्लेस. जैसे देन 17 नंबर जैसे दिया गया है कि 2000 रुपीस इज द प्रिंसिपल अमाउंट 2315.25 रुपीस एंड फॉर 3 years इज द टाइम पीरियड. लेट अस सी अमाउंट इज गोइंग हाउ मच इन दिस प्लेस. सो अमाउंट के हिसाब से अमाउंट इज इक्वल टू ए ऑफ 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन. सो अमाउंट इज 2315.25 रुपीस इज इक्वल 2000 ऑफ 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर 3. एंड लेट अस सॉल्व दिस. लेफ्ट साइड में लेके आएंगे. सॉल्व करने के बाद हम मुझे मिला 9261/8000. आई फाइंड आउट द एलसीएम, आई गॉट 21 का क्यूब है 9261 एंड 20 का क्यूब है 8000. बच्चों दिखना है यहाँ पे यदि राइट साइड में पावर 3 है, जस्ट लेफ्ट साइड में भी किसी का ना किसी का नंबर का पावर 3 ही आएगा ज़रूर. तो 3 एंड 3 पावर कैंसिल हो गया. बच्चे 21/20-1 इज इक्वल आर बाय 100 इज इक्वल 21-20/20 इज अ कैंसलेशन हुआ, 1/20 आया. लेफ्ट साइड में जो राइट साइड में जो 100 था वो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हुआ और इक्वल 5% दिया द रेट ऑफ इंटरेस्ट. 16 एंड 17 नंबर बोथ वर आस्किंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट. 19 नंबर 20 नंबर सिमिलर टू 16 नंबर, सिमिलर जैसे 16 किया था 19 नंबर वैसे है, बट सिर्फ यही डिफरेंस है कि वो सेमी एनुअल में वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है. 20 नंबर इज सिमिलर टू 21 नंबर. 21 नंबर में यहाँ पे किया हूँ, थोड़ा देखते हैं. चलो पहले क्वेश्चन उसका. 21 नंबर, ए सर्टेन सम अमाउंट टू 5,292 रुपीस इन 2 years एंड 5,556.60 रुपीस इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड रेट ऑफ एंड सम ऑल्सो मीन्स प्रिंसिपल. देखो बच्चों जब ऐसा वाला क्वेश्चन आया कि ये अमाउंट ऑफ 2 साल का है, ये अमाउंट ऑफ 3 साल का, दैट इज ऑल कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स,
तो एक को एज्यूम करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास यहाँ प्रिंसिपल ना दिया गया ना रेट दिया गया है, दोनों को दोनों अननोन है. सो एज्यूम द फर्स्ट वन इज योर प्रिंसिपल एंड ऑटोमेटिकली द नेक्स्ट वन विल बी योर अमाउंट. आई हैव एज्यूम्ड टू गेट दैट. लेट मी शो यू इट्स आंसर्स. ट्वेंटी नंबर, लेट द अमाउंट ऑफ द टू ईयर्स बी एस पी 5292 रुपीज एंड द अमाउंट ऑफ थ्री ईयर्स इज 5556.60 रुपीज, जो कि इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे 264.60 रुपीज इज द इंटरेस्ट इन दिस प्लेस. नाउ व्हेन इंटरेस्ट इज 264.60 रुपीज एंड फाइव पी इज टेकन इज 5292, देन उन दोनों का डिफरेंस होता है, एक साल का डिफरेंस है ये. It's a difference of 1 year. You can put that R equal to I into 100 by P into T, 5292 into 1. So 264.60 by 5292, which is 5,000, R equal 5%. Now, we will take again as amount, which is given to us, 5292 rupees is our amount. Then amount is P of 1 plus R by 100 to the power N. So amount 5292, P of 1 plus 5 by 100 to the power 2. सो सॉल्व करने के बाद हमारे पास पी इक्वल 4800 रुपीस आ रहा है. दिस इज द प्रिंसिपल. नाउ 24 वन बीट वन, इन व्हाट टाइम विल 1500 रुपीस यील्ड 496.50 रुपीस एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. तो हमें ये पूछा गया कि 1500 रुपया जो है हमारा वो कितना देगा, कब 496.50 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट देगा 10% का इंटरेस्ट में. ये रहा 24 वन नंबर, जैसे कि पी इज इक्वल 1500 रुपीज़ दिया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हैज गिवन एज 496.50 रुपीज़ एज इट हैज गिवन. नाउ आर इक्वल 10% टाइम पीरियड निकालना है हम लोग को. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. 1500 प्लस 496 करोगे तो ईजी रहेगा, क्योंकि अमाउंट निकाल देने के ना बाद तो लोगों को ये फॉर्मूला डालने में आसान होगा. पी ऑफ 1 प्लस आर बाय 100, यदि तुम कंपाउंड इंटरेस्ट लेके जाओगे, सी आई इज इक्वल टू पी ऑफ 1 प्लस आर बाय 100 टू द पर एन माइनस 1, वो फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा. डालने के बाद कंपेरिजन करो, पहले 1500 को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, इज 11 बाई 10 पावर एन हो जाएगा. 1996.50 बाई 15 विथ 4 जीरोस कैंसिलेशन करने से, पहले मैं 5 से काटा हूँ उसके बाद 3 से काटा हूँ, 1331/1000 = 11/10^3. तो बेस से ही में पावर भी इक्वल होगा, एन इक्वल 3 ईयर्स. दैट मच चिल्ड्रेन, थैंक यू सो मच. प्लीज डू टुडे टिल 30 सम्स, 27 सम्स करो, 27 तक. दैट मीन्स आई एम गिविंग टू यू फ्रॉम योर वेर यू लेफ्ट आउट, मे बी फ्रॉम 18 to 27, 10 सम्स आई एम गिविंग टू यू टुडे. सो काइंडली डू दैट, थैंक यू.